कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग पे ये मैन ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है इसको पकड़ के, ठीक, तो क्वेश्चन के अंदर ये बताओ कि इस मैन का जो वेट है वो एम जी है और स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगी? टेंशन टी डेवलप हो जाएगी। और अगर ये मैन ऊपर एक्सलरेट कर रहा है तो फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन क्या बनेगी? ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स इज मास इनटू एक्सलरेशन, तो टी की वैल्यू क्या बनेगी? एम इनटू जी प्लस है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे होगा। और वैसे भी लिफ्ट वाला केस भी ऐसे ही किया हुआ है, अगर लिफ्ट में एक्सलरेशन प्रोड्यूस होती है ऊपर की तरफ तो नॉर्मल रिएक्शन एन क्या हो जाता है? एम इंटू जी प्लस से। और अगर नीचे एक्सलरेशन है तो एन की वैल्यू क्या होती है? एम इंटू जी माइनस से। क्या ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो एक बात तो पक्की है, ये ध्यान से इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर यही मैन नीचे की तरफ आता है विद एन एक्सलेशन ऑफ ए तो टी का फॉर्मूला क्या बन जाता है? एम इंटू जी माइनस ए। और अगर यही मैन ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, यहीं पे पड़ा हुआ है रेस्ट पे, तो बोलो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी। सही है। तो अगर कोई बंदा लिफ्ट पे ऊपर चढ़ता है और एक्सलरेशन तेजी से ऊपर चढ़ता है, पूरी पॉसिबिलिटी है उसकी रस्सी टूट सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा वो तेज चढ़ेगा, एक्सलरेशन ज्यादा करेगा, टी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। और हो सकता है उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू को, स्ट्रिंग की जो टूटने की टेंशन की वैल्यू है उसकी वैल्यू को वो क्रॉस कर जाए। तो अगर वो क्रॉस कर गया तो इसका मतलब क्या है? वो रस्सी टूट जाएगी। तो जब भी रस्सी कमजोर हो और कोई बंदा एक्चुअल में चढ़ने की कोशिश कर रहा हो और बहुत तेजी से चढ़े, उसको मना कर देना, भाई मत तेज चढ़ियो, रस्सी टूट जाएगी। चाहे वो उसको चाहे फिजिक्स नहीं आती, उसके बावजूद क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तेज चढ़ने से टेंशन बढ़ जाती है। हाँ, नीचे उतरने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे उतरने में टेंशन क्या हो जाती है? घट जाती है, टूटने का डर कम है नीचे उतरने में, ऊपर चढ़ने में डर ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो कोई रस्सी की टूटने की, मान लो कोई रस्सी है और ये जो मैन है ये ऊपर चढ़ रहा है, और मैंने उसको बता दिया था कि भाई देख, इसकी जो मैक्सिमम टेंशन है जो ये रस्सी ले सकती है वो सिर्फ 50 न्यूटन है, अगर तूने 50.1 कर दी तो ये रस्सी टूट जाएगी। तो अब तू ऊपर चढ़ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो कहेगा देखो ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, और बॉडी का वेट मान लो 5 kg है, तो क्या हो जाएगा वेट इसका? 5g। तो अब वो सोच सोच के डरेगा, चढ़ेगा कैसे? क्योंकि उसको बात समझ में आ गई, अगर वो ज्यादा एक्सेलरेशन कर देता है तो टेंशन की वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है, और फॉर्मूला उसको पता है ऊपर चढ़ने में एम इंटू जी क्या लग जाता है? जी प्लस ए लग जाता है। तो जब वो ऊपर चढ़ेगा तो टेंशन का फॉर्मूला एम इंटू जी प्लस ए लगेगा, अगर वो एक्सलेशन तेज कर गया तो टेंशन की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, और रस्सी टूटने का पूरा डर है, उसको डर है कहीं 50 न्यूटन से ऊपर ना चली जाए कहीं। वो कहता है अच्छा चलो ऐसा करते हैं, मैं ना हौली हौली चढ़ता हूँ धीरे धीरे। तो मैंने कहा तो 2 साल लगा देगा ऊपर चढ़ने में, तो चढ़ ही नहीं रहा डर के, तो लटक ही गया, तो डी एक्स चढ़ना शुरू, तो वो तो चढ़ ही नहीं पाएगा। मैं कुछ तो तेज चल, अगर डर लग रहा है तेज चलने में, अगर मैंने एक्सलेशन ज्यादा कर दी तो मेरी टेंशन बढ़ जाएगी, रस्सी टूट सकती है। तो क्वेश्चन है बताओ वो कितनी मैक्सिमम एक्सलेशन से ऊपर चढ़े? मैक्सिमम क्या? अगर उसने इतनी भी एक्सलेशन बढ़ा दी तो रस्सी टूट जाएगी, तो तुम क्या करोगे? तो तुम यहां पर टी मैक्स पुट कर देना, क्योंकि जब तुम यहां टी मैक्स पुट करोगे ए भी ऑटोमेटिकली मैक्स हो जाएगा, अगर ये मैक्स है तो वो भी मैक्स है। तो
तो अगर तुम्हें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है तो टेंशन की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, मैक्सिमम, और टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी की मैंने 50, और मास 5, ये 10 ए मैक्स। यहां से सॉल्व करके उसको ये पता लग जाएगा कि इतनी एक्सेलरेशन जो भी आंसर आएगा इससे ज्यादा मुझे नहीं चढ़ना, अगर मैं चढ़ा तो मेरी टेंशन बढ़ जाएगी और रस्सी टूट जाएगी। तो समझ में आ रहा है कि ए मैक्स कैसे निकलेगा, क्लियर है यहां तक? जीरो आ रहा है, फिर मेरी रैंडम वैल्यू गलत हो गई है, फिर इसका मतलब यहां पर 60 कर लो प्लीज, तो ये 60 कर लेना और निकाल लेना, गलती से वैल्यू भी ऐसी चूज हो गई कि आंसर सेम ही आ गया, जीरो नहीं आ सकता। ऊपर चढ़ने में टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकती, कुछ तो जोर पड़ेगा रस्सी पे। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन को करने का, कि वो ए मैक्स है तो टी मैक्स क्यों लेता है? सही है, ठीक है। तो यानी कि अब आपको गलती से अगर रस्सी चढ़नी पड़ जाए, एक्सेलेरेशन हो ध्यान से, तो आपको ये पता है कि ऊपर चढ़ने में रस्सी टूट भी सकती है, आराम आराम से चढ़ना है, तेजी चढ़ना। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखते हैं आगे इस एग्जाम्पल में कैसे लगाएंगे आप ये चीज। सपोज करो ये एक पेड़ है, ठीक, पेड़ की टहनी है। इस पेड़ की टहनी पे ये रस्सी है और इस पे ये एक बंदर है, मंकी चढ़ा हुआ है, ठीक, मंकी को ऊपर चढ़ना है। ये जो रस्सी है जो आप देख रहे हैं, ये फर्दर पेड़ से लिपट के कुछ ऐसे, यहां ले आते हैं, ऐसे एक क्लैंप पे लपेट दी गई है, ऐसे, ये क्लैंप है, ऐसे खूंटा, ये देखो ऐसे, मैं इसको हटा देता हूं, ऐसे, ठीक है, बना ले डायग्राम। ठीक, आगे, ये जो मंकी है ये ना 60 kg का काफी भारी मंकी है, 60 किलो का, इसको ऊपर चढ़ना है, तो ऑब्वियसली रस्सी खींच खींच के ऊपर चढ़ेगा और एक्सलरेट करेगा। तो मंकी ऊपर क्या कर रहा है, एक्सलरेट कर रहा है। स्प्रिंग एक है, मासलेस है, टेंशन की वैल्यू विल रिमेन सेम, मतलब यहां पे पेयर में होगी ये टी तो ये भी टी, ये टी तो ये टी, ऐसी यहां पर भी होगी ये टी तो फिर यहां पर भी टी, ऐसे, ठीक है। इस रस्सी को बांध रखा है ऐसे सच दैट ये एंगल गिवन है कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री पे बांध रखा है, रस्सी का मास नहीं ना, एक ही रस्सी है तो टेंशन सेम है। ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या कुछ के बने? अब मंकी को ऊपर चढ़ना है, मंकी को एक ना इंस्ट्रक्शन दे दी गई, भाई तेज मत चढ़ जियो, अगर तू तेज एक्सेलरेट कर गया तो तेरी टेंशन बढ़ जाएगी, और अगर तेरी टेंशन बढ़ गई तो कहीं ये मिट्टी में से क्लैंप बाहर ना उखड़ के आ जाए और फिर तू नीचे गिर जाएगा, ठीक है, रस्सी नहीं टूटेगी, क्लैंप तो बाहर आ ही सकता है क्योंकि सारा जोर रस्सी का किस पे लग रहा है, इस क्लैंप पे लग रहा है, क्लैंप उखड़ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कहता चलो फिर ऐसा करते हैं, फिर मैं ना आराम आराम से ऊपर चढ़ता हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा, नहीं मैंने कहा इतना थोड़ा भी नहीं, मैंने लोगों को क्वेश्चन भी कराना है, तो तू कुछ तो एक्सलरेट कर। अब वो फिर कह रहा है मेरे को डर लग रहा है एक्सलरेट करते हुए, क्योंकि अगर मैंने एक्सलेशन की तो टेंशन बढ़ के कहीं क्लैंप बाहर ना आ जाए। तो मैंने कहा चल फिर एक काम करते हैं, तेरे को एक वैल्यू देते हैं। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि सपोज इसके अंदर ये जो क्लैंप है, क्लैंप को ऊपर वर्टिकल उखाड़ने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है 360 न्यूटन, मतलब अगर तुमने फोर्स 360 न्यूटन से 361 भी कर दी
ऊपर की तरफ, टेढ़ी नहीं, क्लैम को तो ऐसे तोड़ा भी जा सकता है, मैंने आपको सिर्फ फोर्स ऊपर की दी, ऊपर की फोर्स कितनी है, तो ऊपर की फोर्स मैक्सिमम 360 है, तुम 360 तक फोर्स लगा लो क्लैंप निकलेगा, तुमने अगर 360.1 न्यूटन भी फोर्स लगा दी क्लैंप उकड़ के हाथ में आ जाएगा। तो मंकी को ये बात समझा दी कि देख तू जितनी मर्जी तेज भाग, याद रखियो यहां पे क्लैंप के ऊपर अपवर्ड फोर्स 360 क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो बात समझ आ रही है, गिवन है 360 गिवन है, तो क्लैंप को ऊपर उखाड़ने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड 360 गिवन है। तो अब बताओ मंकी मैक्सिमम एक्सलेशन से भाग, और मंकी को कहा तू तेज भाग, तो मंकी पहले डर रहा था कि यार तेज कौन भागेगा, एक्सलेशन तेज करेंगे कहीं क्लैंप ना उखड़ जाए। अब जब मंकी को ये पता लग गया कि उखाड़ने की जो फोर्स है ऊपर वो 360 है, तो उसको समझ में आ गया कि मैं लास्ट वैल्यू 360 यूज कर सकता हूँ। तो अगर वो लास्ट वैल्यू 360 यूज करता है, मतलब कहने का मतलब कि जब वो एक्सलरेट करता है तो यहाँ टेंशन हो जाती है, जब वो तेज एक्सलरेट करता है तो यहाँ टेंशन और तेज हो जाती है, और मंकी की क्या निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम एक्सलरेशन। मंकी को कहा तू तेज भाग, तू तेज एक्सलरेट कर, लेकिन अगर तेरी एक्सलरेशन इस वैल्यू से तेज हो गई तो समझ यहां पे टेंशन बढ़ के 360 से ऊपर फोर्स हो जाएगी, क्लैंप उखड़ जाएगा। तो क्वेश्चन है लास्ट वैल्यू एक्सलरेशन क्या हो सकती है मंकी की, तो आपको बताना है ए मैक्स की वैल्यू क्या होगी। अब जब मैं मंकी का ए मैक्स निकालता हूं तो फिर ये टेंशन भी क्या हो जाती है, टी मैक्स हो जाती है, टी मैक्स हो जाती है, टी मैक्स हो जाती है। ऑब्वियसली भाई जब ए तेज होगा तो टी भी तेज होगा, ए से तेज हो नहीं सकता क्योंकि टी मैक्स की वैल्यू क्रॉस हो गई उड़ जाएगा। तो सही है यहां तक, तो टी मैक्स क्यों पुट किया समझ में आ रहा है, ये मैक्सिमम टेंशन है। अब जब भी स्ट्रिंग टेढ़ी होती है टेंशन के हमेशा दो कॉम्पोनेंट्स लेते हैं, तो एक कॉम्पोनेंट यहां होगा कितना, टी मैक्स इंटू कॉस ऑफ 30, थीटा के साथ वाला 30, और ये वैल्यू क्या होगी, टी मैक्स इंटू साइन ऑफ 30। तो ये मैक्सिमम टेंशन है ऊपर की तरफ, क्योंकि इससे ऊपर अगर टेंशन हो गई तो क्लैंप उखड़ जाएगा, और बाई चांस ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें तो ऑलरेडी गिवन है कि 360 पे क्लैंप उखड़ जाएगा, और हमने टी मैक्स की फॉर्म में भी निकाल लिया कि क्लैंप के ऊपर अपवर्ड फोर्स क्या लग रही है, टी मैक्स साइन 30। तो अगर मैं इसे इक्वेट करूं 360 इज इक्वल टू टी मैक्स इंटू साइन ऑफ 30, तो यहां पे 360 टी मैक्स इंटू साइन 30 हाफ है, तो टी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 720 न्यूटन। कोई डाउट इसमें, क्या इस स्टेप क्लियर है यहां तक, तो टी मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 720 आ गई, समझ में आ रहा है यहां तक, तो टी मैक्स आ गया। अब ये बात मंकी को पता लग गई कि भाई यहां पे टी मैक्स कितना आ गया, 720 आ गया। अब मंकी को ऊपर चढ़ना है, मंकी का खुद का वेट कितना है, 60 g। तो आप ये फ्री बॉडी डायग्राम, मंकी का डायग्राम अलग से बना लें, मंकी के ऊपर की फोर्स कितनी लेनी है, 720 न्यूटन टी मैक्स है, मंकी का वेट कितना है, 60 g, और मंकी ऊपर एक्सलरेट कर रहा है ए मैक्स, तो इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स इज इक्वल टू मंकी का मास इनटू एक्सेलरेशन। सॉल्व करो, जी को 10 पुट करो, ए मैक्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 m/s² इज द आंसर। समझ में आया, अब 2 से ऊपर अगर मंकी ने एक्सेलरेशन कर दी तो टेंशन स्ट्रिंग में बढ़ गई, टेंशन बढ़ गई तो अपवर्ड एक्सेल, टेंशन बढ़ गई क्लैंप निकल जाएगा, क्लैंप को तो निकालना नहीं है, तो लास्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे, 360। तो आइडिया समझ में आया यहां पर मंकी की ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। थर्टी क्लियर है, वहां से टी मैक्स आ गया, मतलब मंकी को बात समझ में आ गई कि टेंशन की वैल्यू 720 से ऊपर होगी नहीं, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया अलग से, यहां भीड़ हो गई थी थोड़ी, ये मंकी है ऊपर की तरफ, टी मैक्स कितना है, 720 है, तो मंकी के ऊपर की फोर्स कितनी है, 720 है, मंकी का खुद का वेट कितना है, 60 g है, मंकी ऊपर चढ़ रहा है तो ऊपर की फोर्स बड़ी नीचे की छोड़ी छोटी, 720 माइनस 60 g इज 16 × 8, आंसर इज एक्स। तो समझ में आ रहा है यहां तक, ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें, टी इज इक्वल टू mg होगा तो मंकी रेस्ट पे होगा ना, ए तो यूज ही नहीं किया, तो फिर मंकी को तो ऊपर भगाना है, मतलब स्लो भी नहीं तेज,
ए मैक्स, तो फिर टेंशन तो बढ़ेगी, तो टी इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए लगेगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? वो इकट्ठा है ना, स्ट्रिंग की टेंशन तो एकदम आ जाएगी, ये टाइट हो जाएगी रस्सी, जब हम ऊपर चढ़ते हैं पूरी की पूरी रस्सी इमीडिएटली टाइट हो जाती है, नहीं तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इमीडिएटली ये इफेक्ट आ जाएगा क्लैंप पे, टाइम नहीं लेगा, फोर्स यहाँ ट्रैवल करने में टाइम नहीं लेती, इमीडिएटली है। इसमें तो नहीं टूटेगी क्योंकि मैं 360 से ऊपर केस किया ही नहीं, अगर मैं 360 से ऊपर टेंशन लगा दूंगा तो टूट जाएगी, और मेरे को तो क्वेश्चन में गिवन है कि क्लैंप नहीं निकलना चाहिए, तो मैंने नहीं लिया, मैंने 360 से ऊपर वैल्यू कंसिडर ही नहीं की। तो क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस ठीक, तो ठीक यस है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि सपोज ये एक स्ट्रिंग है, सपोज ये एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, इस रस्सी पे एक मंकी एक बंदर लटका हुआ है, फिर एक बंदर लटका हुआ है, इस बंदर की ये पूंछ है, टेल है, ठीक, इस पूंछ के ऊपर दूसरा मंकी लटका हुआ है, तो पहले बंदर ने रस्सी पकड़ी हुई है और दूसरे बंदर ने इसकी पूंछ पकड़ी हुई है, इसकी खुद की भी होगी पर चाहिए नहीं, तो हवा में लटक रही है, उसकी टेंशन जीरो है, उसके कोई न्यूमेरिकल नहीं है, वो तो फोल्ड करके बैठ जाएगा डर के मारे, तब भी कोई टेंशन नहीं है। तो क्लियर है यहाँ तक? ये जो मंकी है इसका मास 2 kg, इसका मास 5 kg है, 5 kg है और इसका मास 2 kg है, बनाओ साथ साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ये जो अब मुझे निकालना है यहाँ पे इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है, इस रस्सी में टेंशन क्या होगी ये क्वेश्चन है, और ये जो टेल है इस मंकी वन ने नीचे लटकते मंकी को बोल दिया था, भाई देख तेज मत चढ़ जाइयो, क्योंकि उसको फिजिक्स आती है ना, उसे समझा दिया कि अगर तू एक्सेलरेशन तेज कर गया तो मेरी पूंछ की टेंशन बढ़ जाएगी, कहीं ऐसा ना हो तो मेरी पूंछ तोड़ दे, क्योंकि अगर तेज तेज चढ़ेगा टेंशन बढ़ जाएगी ना, पूंछ टूट जाएगी उसकी। तो इसने पूछ लिया कि बता दे तेरी पूंछ कब टूटती है, तो इसने बोला देख मेरी पूंछ टूटेगी अगर मेरी पूंछ में टेंशन कितनी हो गई, 30 न्यूटन। बस ये याद रखियो, मेरी पूंछ की टेंशन 30.1 भी नहीं होनी चाहिए, लास्ट 30 है, अब तू ऊपर एक्सलेट कर ले। तो इसका मतलब इस टेल की ये क्या गिवन है, टी मैक्स, तो पूंछ के लिए टी मैक्स गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन है दोनों के दोनों मंकी ऊपर एक्सलरेट कर रहे हैं विद सेम एक्सलेशन, बस फर्क ये है कि ये रस्सी पे कर रहे हैं और ये पूंछ पे कर रहे हैं, गिवन है सेम एक्सलेशन। तो क्वेश्चन है पूरी सिचुएशन देखते हुए टी की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये टी क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बिल्कुल, रस्सी अलग है वो अलग है वो अलग है, अगर सेम होती तो आंसर 30 न्यूटन हो जाता है, मैं पूछता ही क्यों क्वेश्चन, ऊपर तो बहुत जबरदस्त टेंशन है रस्सी पे, तो पूरा जोर पड़ रहा है दोनों मंकीज का, तो ऊपर टेंशन ज्यादा है, टेल में टेंशन कम है। ठीक है यहां पर? और मंकी को तो ये मंकी कहता है मैं धीरे धीरे चढ़ जाऊंगा तेरी पूंछ के ऊपर, ना ना इसको तुमने क्या कहना है कि तूने तेज ही चढ़ना है, लेकिन यानी कि क्वेश्चन में गिवन है कि इसको जो ऊपर एक्सलरेट करना है वो ए मैक्स के साथ ही करना है, ए मैक्स के साथ तेज चढ़, इस इतना तेज भी मत चढ़ जियो कि पूंछ टूट जाए, तो ए मैक्स के साथ ऊपर चढ़ेगा। चलो ए मैक्स को छोड़ो, वैसे ही सोचो ए भी ले लोगे तब भी आंसर आ ही जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ समझने के लिए, जरा ये सफिशिएंट है, ध्यान आ गए? अगर मैं सिर्फ मंकी नीचे वाले मंकी की बात करूँ, इसका वेट कितना है,
2G, राइट, और यहां पे टेंशन की वैल्यू कितनी है, 30 न्यूटन एंड 30 न्यूटन। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? पूंछ की टेंशन तो गिवन ही है, टेल की टेंशन 30 30 गिवन तो है, टेल की टेंशन तो मैं दे ही रहा हूं आपको, टी मैक्स कितना है 30, तो टेल के अंदर टेंशन 30 30 बना लो। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ नीचे का मंकी, ये फ्री बॉडी डायग्राम है जिसके इमीडिएटली ऊपर की फोर्स बनाई और इमीडिएटली नीचे की फोर्स बनाई, तो ऊपर की फोर्स क्या है 30, नीचे की फोर्स क्या है 2G, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी कोई मुझे बताएगा? ये ऊपर जा रहा है, ऊपर एक्सलरेट कर रहा है, तो 30 न्यूटन की फोर्स बड़ी और 2G छोटी है, तो 30 माइनस 2G इज मास इंटू एक्सलरेशन, तो 30 माइनस 2 × 10 इज इक्वल टू 2, कितना आ रहा है 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मंकी ऊपर चढ़ रहा है, और अगर इसकी एक्सलेशन 5 है तो ऊपर वाले की भी कितनी है 5 है। क्वेश्चन में दोनों की एक्सलेशन सेम लेने को कहा गया, तो आपको ऊपर के मंकी की एक्सलेशन भी पता लग गई, सही, यहां तक क्लियर है? अब ऊपर के मंकी का डायग्राम बना लें, फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा, ये देख रहे हैं, प्लस प्लस एक और चीज बनेगी, इसका खुद का वेट ना, मास नहीं वेट, mg, मास तो m होता है सिर्फ, तो क्या बनेगा 5 × g वेट। तो इस मंकी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं ऊपर वाले मंकी का, तो ऊपर वाले मंकी के ऊपर टेंशन क्या है t, नीचे क्या है 5G, और नीचे एक और टेंशन है कितनी 30, और ये मंकी कहां जा रहा है ऊपर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5, ये डायग्राम है, ऊपर वाले मंकी के ऊपर टेंशन टी है, नीचे कितने 5G है और नीचे कितने 30, ये बनाया मैंने टी 5G 30, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो t − 30 + 5G इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 5 × a, तो t निकालना 105 आ रहा है आंसर। समझ में आ रहा है यहां तक क्या लॉजिक है? अब ये प्रॉब्लम आती नहीं है, मैंने आती देखी नहीं है मंकी की प्रॉब्लम्स, पर लेकिन कॉन्सेप्ट देख लो क्लियर कर रही है, रस्सी का कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग कर रही है ये प्रॉब्लम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कब तक एक पुली और दो मास ले लेके घूमते रहोगे कि हमें फिजिक्स आती है? कुछ और भी तो सीखना है रोज, कि बस दो मास की एक्सप्रेशन ही आती है हमें, एक साल बाद भी क्या आता है, दो मास की एक्सप्रेशन ही आती है, यार ये तो कोई बात नहीं बनी, कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? ये प्रॉब्लम मैंने आपकी बुकलेट में ऑलरेडी कर रखी है सॉल्व, अगर आप आगे देखें तो ये रही मंकी वाली प्रॉब्लम, ये रही 5 और 2 kg। तो मैंने मंकी ना बड़े कंफ्यूज करते हैं मेरे को, मतलब डायग्राम बनाओ मंकी का, तो मैंने थोड़ा सा इजी कर लिया, ये 5 kg का मंकी है और ये 2 kg, मैंने ब्लॉक ही बना लिए, ब्लॉक करने आसान है, दिख अच्छे लगते हैं, ऑलरेडी हम यूज टू हैं। तो देखो 5G 30 30 और 2G, जब ये ऊपर जाएगा तो 30 − 2G = 2A, A आ गया, तो A की वैल्यू आ गई, और जब ये ऊपर जाएगा तो t − 5G − 30 = 5A, वो देखो आंसर आ गया, थोड़ा इजी हो गया डायग्राम, थोड़ा इजी बन जाता है अगर आप मंकी की जगह ब्लॉक्स बना लेंगे, हम यूज टू है ना, दो ब्लॉक्स का काम हमें इजी लगता है। समझ में आया यहां तक? कोई डाउट इसमें?